जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, शाम के 5:02 हुआ है, 5:07 हो गए, 5:07, 15 जुलाई सोमवार। तो चलिए पहले देखते हैं आज मार्केट हुआ क्या था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी में आज ओपन हुआ 30,688 में ओपन हुआ, 695 का हाई बनाया और 334 का लो और 446 का क्लोजिंग हुआ। बैंक निफ्टी देखा जाए तो वीक हुआ आज कंपेयर टू फ्राइडे, ये काफ़ी वीक हुआ। और आज दिन भर नीचे का ही मूव रहा, सुबह सुबह खाली तेज थोड़ा सा खुला था। तो बैंक निफ्टी देखिए डबल बॉटम जैसा बनाया भी है, हालांकि उस बॉटम को तोड़ दिया जो मंगलवार का बॉटम था 346, उसके नीचे आ गया। आज मंगलवार को बॉटम था 346.70, आज नया बॉटम बनाया इसने 334.20। तो ये वीकनेस दिखा रहा है डेफिनेटली, ये बैंक निफ्टी का हो गया। अब आ जाते निफ्टी आज क्या हुआ, फिर मैं चर्चा करूँगा क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। निफ्टी आज ओपन हुआ 618 का हाई, ऑलमोस्ट ओपनिंग और हाई सेम ही है, और लो बनाया 532 और क्लोज किया 588। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो फ्राइडे की क्लोज थी 552 उससे ऊपर क्लोज किया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन एक निगेटिव साइन भी है कि उसने फ्राइडे के हाई को टेस्ट नहीं किया। फ्राइडे का हाई था 639, आज का हाई था 618। तो आज हाई लोअर हाई और लोअर लो मारा है एज़ कम्पेयर टू फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे का लो था 538 और आज का लो था 532। तो लोअर हाई लोअर लो बनाया लेकिन क्लोज इसने फ्राइडे से ऊपर की दिया है, तो इसमें भी पॉजिटिव खट्टा मीठा निगेटिव दोनों है। अब आ जाते हैं मेरे एनालिसिस पे क्या बोल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, आपको याद होगा 552 का जो क्लोज था, मैंने आप लोग को फ्राइडे के वीडियो में बोला जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है इंट्राडे वाले उनके लिए क्या स्टॉप लॉस बताया था, 11,550 के नीचे का स्टॉप लॉस, यानी कि सेम स्टॉप लॉस बताया था। देख लीजिए आज भी 588 का क्लोज किया, ऊपर ही किया, तो कुछ तो आपको मिला ही होगा, गया कुछ नहीं, पहली बात। अब आ जाते हैं निफ्टी का एनालिसिस पर। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, ये अभी भी वही ट्रेंड बरकरार है जो मैंने बोला था। इसमें आज लोअर एंड में भी इस ये सब एक बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ही लो बना है। अगर ये ट्रेंड लाइन देखिए आप एग्जैक्टली, तो इसका हायर एंड आ रहा है 698 आ रहा है। 698 तोड़ने के बाद स्पीड बढ़ सकती है इसमें, और नीचे में आप बोलो तो 550 के बाद शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को निकल जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स मैंने बार बार क्या बोला, जो शॉर्ट टर्म है तो आपका स्टॉप लॉस वापस क्या है, एनी क्लोजिंग ध्यान रखिएगा, ये स्पॉट के फिगर्स है, एनी क्लोजिंग बिलो 550 इज ए स्टॉप लॉस फॉर वेरी शॉर्ट टर्म प्लेयर्स इन निफ्टी। और रेजिस्टेंस है अभी 698 का, उसके बाद थोड़ी स्पीड पकड़ेगा, ये 698 के बाद अच्छी खासी स्पीड पकड़ेगा अगर उसके ऊपर क्लोज कर लेता है। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। अब जो लॉन्ग टू मीडियम टर्म प्लेयर्स है, जो पोजिशनल प्लेयर्स हैं, उनके लिए ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, इस लो से इस लो को टच किया, तो इस उनका स्टॉप लॉस एनी क्लोजिंग, उनका स्टॉप लॉस बताता हूँ पहले, एनी क्लोजिंग बिलो 395, 11,395 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग हो वो आपका स्टॉप लॉस है। और पहला टारगेट आपका 712 आ रहा है रेजिस्टेंस, लेकिन एक्चुअल टारगेट इस महीने का जो आ रहा है वो 915 आ रहा है, 915 फॉर दिस मंथ। इस महीने का जिसके इस हाई से मैंने इस हाई को टच किया तो ये 915 के आसपास बन रहा है, 910-15। नीचे में आपका स्टॉप लॉस कितना है, 395 के नीचे की क्लोजिंग, और टारगेट आप इस महीने के लिए खेल सकते हो, इस महीने के लिए 915 मिनिमम, ये मिनिमम टारगेट है, दिस इज़ मिनिमम। और एक रेजिस्टेंस ज़रूर आएगा बीच में 710 के आसपास, लेकिन उसको क्रॉस करके सीधा 915 पे ही रुकेगा, ये उसको क्रॉस करेगा। और जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है, जो इंट्राडे वाले हैं,
वो 550 के नीचे की क्लोज होते ही एक बार निकल जाइए, क्योंकि ये नीचे का सपोर्ट है, उसके बाद सीधा 300 395 दिखा रहा है। और जो पोजिशनल या लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है, 395 के नीचे की क्लोज आते ही आपका स्टॉप लॉस है। और अगस्त महीने के लिए भी टारगेट बता देता हूँ, इस हाई से मैंने इस हाई को छुआ तो अगस्त महीने का मिनिमम टारगेट दिखा रहा है 12400। देखिए ये ट्रेंड लाइन 12400 की तरफ जा रही है, तो अगस्त महीने में मिनिमम टारगेट 12400 है, इस महीने का मिनिमम टारगेट 915 है, और इस महीने का स्टॉप लॉस जो है पोजिशनल वो है 395 के नीचे की क्लोजिंग। ये हो गया निफ्टी। निफ्टी अभी भी ट्रेंड लाइन को बरकरार रखा है इंस्पाइट ऑफ लोअर हाई एंड लोअर लो, लेकिन क्लोज फ्राइडे से ऊपर की दिया है। हैमर बना है, लेकिन ये हैमर कोई काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट पे ये लो बना है। तो कल देखते हैं क्या होता है। ये निफ्टी का व्यू है, फिर से समझा दूँ, शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बिल्कुल शॉर्ट टर्म खेलते हैं, 550 के नीचे की क्लोज आपका स्टॉप लॉस है। जो पोजिशनल प्लेयर है, 395 के नीचे की आपका स्टॉप लॉस है क्लोजिंग, और इस महीने का आपका टारगेट है 915। और अगर 915 के ऊपर चला जाता तो आप इसी महीने 12000 को भी क्रॉस करोगे, वरना अगस्त तक का टारगेट आपका 12400 है। ये क्लियर कट व्यू। अब आ जाइए बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में मैंने सीधी सीधी दो ट्रेंड लाइन बनाई है, तो ये लाइन इस लो से, ये लो को टच करने से, ये अभी भी बोल रहा है कि ये अभी भी यहाँ तक सपोर्ट है इसको, तो 30190 अगर तोड़ के बंद होता है बैंक निफ्टी, 30190 अगर तोड़ देता है बैंक निफ्टी, तो आपका अगला सपोर्ट सीधा 29500 है, सीधा 29500 की तरफ आएगा वो, अगर 30190 के नीचे की क्लोज आ जाती है बैंक निफ्टी में, 30190। और इस महीने का हाई टारगेट आपके लिए है, स्टॉप लॉस क्या हो गया, एनी क्लोजिंग बिलो 30190, एनी क्लोजिंग बिलो 30190 स्पॉट आपका स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में, और टारगेट है 31500 मिनिमम इसी महीना। और अगर आगे का टारगेट चाहिए आपको तो काफ़ी बड़ा आ रहा है, वो 33000 के ऊपर आ रहा है अगस्त तक का। तो बहुत ही सिंपल है, इस पर ध्यान दीजिए। कल आपको 300-250 अगर हम मिले तो वहाँ बाई करने की कोशिश करिए, क्योंकि थोड़ा वीकनेस दिखा सकता है सुबह, लेकिन ओवरऑल मुझे 31500 इसी महीने में लग रहा है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। जिसको जिसको ये वीडियो पसंद आएगा ज़रूर लाइक करिएगा, और जिसको डिसलाइक देखते ही दबाने की आदत है वो बिल्कुल दबाइए। मैं आपका आपकी मेहरबानी है मेरे ऊपर कि आप बिना वीडियो देखे भी डिसलाइक दबा देते हो। फ्राइडे का भी देखा ही नहीं, कुछ लोगों ने ऐसे ही डिसलाइक दबा दिया, फिर भी आई विल कीप डूइंग माय गुड वर्क। और ट्रेनिंग्स के लिए आपको बता दूं दोस्तों, ये अपकमिंग ट्रेनिंग्स है 20 जुलाई को, इस शनिवार को 20 जुलाई को मुंबई में है, 20 जुलाई मुंबई, 27 जुलाई दिल्ली, 11th अगस्त संडे बेंगलोर में 11 अगस्त, दिल्ली में 27 जुलाई और मुंबई में 20 जुलाई, ये आने वाली ट्रेनिंग्स है। और ये बता दूँ कि मुंबई की सीट्स थोड़ी बहुत ही बची है, तो जिसको जल्दी जल्दी बुक करना कर सकते हैं, और दिल्ली में भी 5-6 सीट ही बची है, बेंगलोर में सीट है अभी काफ़ी है। ये देखिए मैंने लिखा भी था यहाँ पे दिल्ली के लिए, और जो इंदौर में रहते हैं, जो लोग इंदौर में रहते हैं उनके लिए मैंने लिखा है। ये मुंबई का भी सीट्स कमी बची है, देख लीजिए आप लोग। और जो लोग इंदौर में रहते हैं उनके लिए, हाँ उनके लिए बता दूं, मैं इंदौर जा रहा हूँ 16 अगस्त की रात को, तो 17 अगस्त को मैं सुबह पहुँच जाऊँगा इंदौर मॉर्निंग में, वहाँ 17 अगस्त को एक ट्रेनिंग लूँगा, लेकिन वो होटल रूम में होगी, होटल रूम में, क्योंकि मैं एक्चुअली जा रहा हूँ विद्यासागर जी से मिलने के लिए, जो कि नेमावर में है, वहाँ से 155 किलोमीटर दूर, तो वो 18 को मैं उनसे मिलने जाऊँगा वहाँ से, इंदौर से बाई कार,
क्योंकि 155 किलोमीटर है, तो 18 को संडे है लेकिन 17 को सैटरडे है, तो 17 को मैं इंदौर में ही रहूँगा। तो उस दिन जिस भाई बहन को अगर ट्रेनिंग जिस भाई को सॉरी लेडीज़ आर नॉट अलाउड इन ए होटल रूम, तो खाली जेंट्स के लिए रहेगा। ओनली 5 पीपल आई अलाउ, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप से 5 जन को सिखा दूँगा। तो जिसको इंटरेस्ट है इंदौर के लिए स्पेशली कॉन्टेक्ट करें, ये होटल रूम में होगा, ये कोई जैसे नॉर्मल ट्रेनिंग होती वैसे नहीं होगा, क्योंकि मैं एक्चुअली जा रहा हूँ इंदौर टू मीट माई गुरुवर विद्यासागर जी। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।